धू धू कर जलते रहे घर, लाखों की संपत्ति राख, मोहल्ले में मची अफरा तफरी। बेगूसराय में एक बार फिर आग का विकराल रूप सामने आया, जहां एक घर में लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते घर के दो कमरों में रखे सारी संपत्ति सहित टाइल्स दरक गई। धधकती आग को देख मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले वासियों ने, मशक्कत वालों ने आग पर काबू पाया और जब तक लोग आग बुझाने में कामयाब हुए, तब तक घर में रखे सभी सामग्रियां जलकर राख हो चुकी थी। घटना जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 28 लोहिया नगर स्थित दक्षिण मोहल्ले निवासी आरएन पासवान के पुत्र अनिल कुमार के घर की है। पीड़ित ने बताया कि वह प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के पद पर खगड़िया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में पदस्थापित है, जबकि पत्नी आरती देवी बाल कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी में तेगड़ा अनुमंडल में सुपरवाइजर पद पर पदस्थापित। और घटना के दौरान दोनों पति पत्नी अपने अपने ड्यूटी में थे। उन्होंने कहा कि घर में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा मोबाइल पर मिलते ही वह भागे भागे अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने घर की सारी संपत्ति को राख के रूप में देखा। लेखा पदाधिकारी ने बताया कि इस बात का पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे भी स्कूल पढ़ाई के लिए गए थे और मकान के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था। फिलहाल स्थानीय लोगों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और लोग उस दृश्य को देख सकते में थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। इसमें पता नहीं चला घटना होती है। हम काम कर रहे थे, लेबर मजदूर ही बताया कि आग लग गया है नीचे के फ्लोर में। अभी कंस्ट्रक्शन में है, नीचे के फ्लोर में पूरा जल गया। ऑफिशियल वर्क का कागज भी खुदकता है होगा, से भी आदमी है। कितने कमरे में आग लगा है? एक कमरे में आग लगा है। दो कमरे में मतलब बिल्कुल जल गया है। हाँ बिल्कुल जल गया। कितना का नुकसान लगभग हुआ होगा? क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या है आप? प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी। कहाँ? बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल खगड़िया।